नमस्कार, मैं आरती गौड़ और आप देख रहे हैं एचपी न्यूज 24। आइए शुरू करते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आज नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मंडल में पहुंचे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश भंडारी जी का जनसंपर्क चल रहा है। इसी चलते हम कई विषय पर वापस जानकारी देंगे। सभी नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से दीपावली और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि सबके जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य माँ लक्ष्मी प्रदान करें। आज कांग्रेस से संपर्क हुआ, कहाँ तक चलेगा आज हमारा जनसंपर्क? मंडावर का जनसंपर्क है, इसके पहले गाटरा खेड़ी, भीलखेड़ी और भी अन्य गांवों में हमारा जनसंपर्क था। आज हमारा मंडावर का जनसंपर्क है, पूरे गांव का जनसंपर्क करके हमें एक अच्छा विश्वास लोगों का मिल रहा है, समर्थन लोगों का मिल रहा है। निश्चित इस बार नरसिंहगढ़ ही नहीं वरन पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा हमारा विश्वास। विधानसभा में कई गाँव में आपने भ्रमण किया, क्या क्या मुद्दा सामने आया? अब 20 साल के भ्रष्टाचारी सरकार के कई मुद्दे हैं, चाहे वो विद्युत व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो राजस्व विभाग को लेकर हो, चाहे वो पंचायतों के मामले, प्रधानमंत्री आवास, गलियों नालियां नहीं बनना, गलियां नहीं बनना, कंक्रीट की शिकायत, रोडों की शिकायतें, मतलब इतने सारे मुद्दे हैं कि जिनको अगर सुबह शाम तक गिनाए तो कोई गिना भी नहीं सकते, क्योंकि 18-20 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं हुआ इस प्रदेश में। और आज भी जो कि त्यों सब समस्या रखी है, इसी बात को लेकर हम, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और अच्छा समर्थन हमें जनता का मिल रहा है। निश्चित इस बार सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। झालना विद्युत मंडल के तहत कई गांव में आज भी दीपावली के मौके पर किसान परेशान है, बिजली नहीं मिल रही है, आपके पास भी कई आए? झालना विद्युत मंडल का जो बड़ा ट्रांसफार्मर था जल गया, आज 20-22 दिन हो गए। विद्युत मंडल का ये कहना है कि हमें भोपाल से उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही। व्यवस्था क्या, सीधी बात यह है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार ने सब पैसा अनावश्यक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया और विद्युत मंडल आज बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। वहाँ ना कोई ट्रांसफार्मर आ पा रहे हैं, ना कोई व्यवस्थाएँ हो पा रही है। आज इसी कारण जो 10 घंटे बिजली मिलना चाहिए था वो 4 से 6 घंटे बिजली मिल रही है, 24 घंटे वाली बिजली को भी 10-10 घंटे काट कर लोगों को बिजली दी जा रही है। और आज तो ये हालत हो गई है, कल मेरे पास इतने टेलीफोन आए कि साहब अंधेरे में दिवाली मन रही लोगों की, इस सरकार को शर्म आना चाहिए कि एक सबसे बड़ा त्यौहार, उस त्यौहार को भी इन्होंने बिजली नहीं दे पाए, इस सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात। एक मंडल की एक समस्या है, ना तो मोहनपुरा परियोजना का लाभ मिल पाए, ना ही पार्वती योजना का लाभ मिल पाए। किसान काफी परेशान है, कई दिनों से आंदोलन भी करता है, मांग करता है, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला। निश्चित मोहनपुरा और पार्वती जैसी परियोजना के संबंध में हम चुनाव के बाद जैसे ही सरकार का गठन होगा, हम चाहे सरकार हमारी बने, लेकिन अगर इसको जोड़ने के लिए हमें सरकार से भी लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे, लेकिन इस समस्या का हल करेंगे।